ਬਠਿੰਡਾ ਛਾਉਣੀ ਅੰਦਰ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 19 ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਬਠਿੰਡਾ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ आर्टिलरी यूनिट के 4 जवानों की मौत हो गई। पुलिस के SDP अजय गांधी ने कहा है कि छाउणी के अंदर दो हमलावर ने सिविल कपड़ों में फायरिंग करके वारदात को अंजाम दिया है। वारदात वाली थान तो 19 खोल भी बरामद किए गए हैं। मामले में मेजर आशुतोष शुक्ला के बयान उत्ते अणपछाते लोगों खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बठिंडा जिले के मिलटरी स्टेशन के अंदर अज तड़के 4:30 बजे के करीब गोलियां चलन की वारदात में आर्टिलरी यूनिट के नाल संबंधित फौज के 4 जवानों की मौत हो गई। इन्हां जवानों की पहचान ड्राइवर MT संतोष, ड्राइवर MT कमलेश, ड्राइवर MT सागरवन, गणेश गनर योगेश कुमार वजो हुई है। दस दिए कि हूँ इस मामले में मेजर आशुतोष शुक्ला के बयान उत्ते बठिंडा पुलिस ने अणपछाते हमलावर खिलाफ़ मामला दर्ज किया है। मेजर आशुतोष मुताबिक फायर करने वाले चिट्टे कुर्ते पजामे आए सन, एक के हाथ में राइफल और दूसरे के हाथ में कुहाड़ी सी। अज सवेरे एक इंसीडेंट फायरिंग का सानू रिपोर्ट होया आर्मी कंटोनमेंट के एरिए जी। फरदर इनफॉरमेशन जी हैगी कि 4 बंद की डैथ हुई है, जो गार्ड ड्यूटी पर सके ऑफिसर्स मेस के लागे। वो फरदर इन्वेस्टिगेशन साड़ी जी टीम हैगी है SPD साहब के हेड वो कर रही हैगी है। अजे तलक एक्सीडेंट्स का पता नहीं लग्या, लेकिन जिनी कि इनफॉरमेशन साडे कोल आई हैगी है वो हिसाब न इन्ना क्लीयर हो रहा दिस इज़ नॉट अ टेररिस्ट एक्ट। वो जी सवेरे सानू पता लगा कि 4:30 बजे इंसीडेंट होया, चार बंदियां दी शक्कां दी गनशॉट इंजरीज नाल डैथ हो गई। उस तो बाद अपना जो ना कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ, पुलिस इज ऑलसो ऑन द स्पॉट टू हेल्प द आर्मी ऑन दिस। हुण हाले बंदियां दी आइडेंटिटी तां मिलिट्री ने डिस्कलोज नहीं की है जी, पर इंसिडेंटली आई कैन सॉर्ट ऑफ श्योर यू अबाउट दिस थिंग, दिस इज नॉट ए टेररिस्ट क्राइम, दिस हैज नॉट बीन डन फ्रॉम आउटसाइड, इट हैज़ नो इंपैक्ट ऑन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द स्टेट फॉर इट। ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਵੀ ਵਿਲ ਕੋਪਰੇਟ ਵਿਦ ਦਾ ਆਰਮੀ, ਉਹ ਕੋ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ, ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਹਾਓ ਆਰਮੀ ਰੈਕਟਸ ਟੂ ਦੈਟ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ। चार डेथ कन्फर्म ने, इंजर्ड कोई नहीं है। सर ये आर्मी बेसिकली देवर एसोसिएट का आर्मी, मे बी आर्मी परसन और जो सिविल स्टाफ उन्होंने काम करता है, क्योंकि उन्होंने जो तक आइडेंटिटी डिस्कलोज नहीं करते, वी कांट कमेंट अपॉन देयर आइडेंटिटी। सर ये भी पता लगे भी कुछ देर पहला राइफल चोरी होंगी है, जिसकी कंप्लेंट भी उन्होंने शायद उन्होंने कंप्लेंट की थी। एक दो दिन पहला एक FIR रजिस्टर हुई है कैंट थाने दे विच, ते उन लसी वेदर इट रिलेट्स टू द सेम इंसिडेंट और इज इट अ सेपरेट इंसिडेंट, डिपेंड करेगा कि हुआर द प्लेयर्स इन द फर्स्ट FIR एंड नाउ द सेकंड इंसिडेंट। पुलिस वालों कोई इन्वेस्टिगेशन माने SP इन्वेस्टिगेशन है, मिस्टर गांधी ही इज ओवर देयर, ही इज टाइंग अप विद द आर्मी अथॉरिटीज, ही इज एट देयर डिस्पोजल। तो जितना जितना ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।